खबर शुभी लाइन, आपकी खबर तेजसर। सड़क एक घोटाला अनेक के तर्ज पर रामनगर ब्लॉक के परसोइया गांव में जमकर हुई लूटपाट। एक ही सड़क पर कई बार नाम बदल बदल कर कराया भुगतान। गांव के पूर्व प्रधान माया देवी ने सड़क नाम पर कई बार की सरकारी धन की लूट। प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र ने कई सड़क तो बना डाली लेकिन अब सड़क हुई गाया। पंचायत भवन में भी हुआ भ्रष्टाचार, कहीं छत चटकी तो कहीं दीवार गई गिर। प्रधान प्रतिनिधि सेक्रेटरी और ब्लॉक के अधिकारियों की तिकड़ी ने जमकर की लूट। गांव वालों ने की मुख्य विकास अधिकारी से की शिकायत। सीडीओ ने लिया मामले का संज्ञान, तत्काल जांच टीम भेजकर कराई जांच। जांच में दोषी व्यक्तियों पर सख्त से सख्त होगी कार्यवाही। सीडीओ। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। सुनने में भले ही आपको यह गाना किसी पुरानी फिल्म का लग रहा हो लेकिन असल में यह गाना बस्ती जिले के रामनगर ब्लॉक में पड़ने वाले परसोइया गांव की हकीकत बन गया है। जहां पूर्व प्रधान माया देवी सड़कों में निर्माण के नाम पर ऐसा हवा हवाई काम कराई कि अब वह सड़क अंतर ध्यान हो चुकी है। गांव वालों को सड़क खोजे नहीं मिल रही है। परसोइया गांव की पूर्व ग्राम प्रधान माया देवी थी लेकिन इन्होंने अपने नाम को सीरियस ले लिया क्योंकि माया की ये देवी ने गांव के विकास के लिए भेजे गए सरकारी रुपयों को अपने बाप की बपौती समझकर लील लिया। अजगर रूपी इस माया को इसके पति महेंद्र कुमार का साथ भी इससे बाखूबी मिला। दोनों बंटी बबली ने गांव का विकास केवल कागज में ही कर डाला। दरअसल परसोइया गांव में सड़क तो एक बार ही बनी लेकिन सड़क पर घोटाले कई बार हुए। ये केवल एक ही सड़क का हाल नहीं है बल्कि गांव की कई सड़कों में कागजी घोड़े दौड़ाकर लाखों का माल इस बंटी और बबली की जोड़ी ने सत्यनारायण का प्रसाद समझकर चट कर लिया। आइए हम आपको सड़क में हुए हवा हवाई खेल को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं, जिसमें पहली सड़क PWD से शीतल सिंह के ट्यूबवेल तक तो बनी लेकिन इन दोनों के बीच की दूरियों के बीच में केवल नाम बदल बदल कर इस इंटरलॉकिंग सड़क पर कई भुगतान ले लिए गए। मसलन शीतल सिंह के खेत से संत कुमार खेत तक और फिर संत कुमार के खेत से सेतु खेत में इंटरलॉकिंग कार्य दिखाकर धन का बंदर बांट कर लिया गया। मतलब कि काम एक बार लेकिन भुगतान दो बार ले लिया गया। अब आइए दूसरी सड़क की ओर चलते हैं, जो कि प्रधानमंत्री सड़क से सालिकराम के घर तक इंटरलॉकिंग तो कराई गई लेकिन इसी प्रधानमंत्री सड़क से प्राइमरी स्कूल तक का भुगतान भी बिना काम कराए ले लिया गया। ये तो सड़क एक और भुगतान अनेक की बात, लेकिन गांव में कुछ सड़क तो ऐसी भी हैं जिसमें भुगतान तो पूरा हुआ है लेकिन सड़क में काम नील बटा सन्नाटा ही रहा। जैसे शिवनाथ सिंह के मकान से लेकर प्रकाश के घर तक इंटरलॉकिंग व सुधीर सिंह के मकान से राम कुमार के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य केवल कागज में हुआ, धरातल पर है ही नहीं। माया की देवी यही नहीं रुकी, पंचायत भवन व अन्य मदों का पैसा भी पापा चटनी व मुरब्बा समझकर चटकारे लगा लगा कर चट कर गयी। ऐसा नहीं है कि अपने लाडले और लाडली बंटी बबली के इस खेल की भनक ब्लॉक के प्रतापी अधिकारी व फरेबी कर्मचारियों को नहीं है, लेकिन जब सिक्कों का चढ़ावा चढ़ गया तो सभी सूरदास बन इनके सामने मुजरा करने लगे। इधर प्रतिनिधि महेंद्र कागज में सड़क बनाता रहा, उधर ब्लॉक कर्मचारी बेईमानी के हस्ताक्षर करते गए। किस किस्मत में घोटाला हुआ आपके गांव में? मत है आपका इंटरलॉकिंग में कई जगह से कई नाम, जैसे मेरा नाम फिर दूसरे नाम लेकर के वहां भुगतान दिया गया है,
फिर रोडी जी जो रोड से मान ले चला उसमें तीन चक्रवात से वो जो है तीन चार चक्रवात में पैसा निकाले हैं, शौचालय में गड़बड़ी किए हैं, पंचायत भवन में गड़बड़ी किए हैं, प्राइमरी स्कूल जो पाठशाला है वहां पर दो राउंड में उन्होंने भुगतान निकाला है, अंदर बाउंड्री में जो उन्होंने पिच का जो दिखाए इंटरलॉक या चक्रोड मल निकाले हैं, खड़ंजा लगाए हैं, जबकि पूरी फील्ड का काम इंटरलॉकिंग हुआ, उसमें खड़ंजे काम नहीं हुआ है। किसी के खेत से किसी के तो नाम बदल करके फिर वहीं से पीडब्ल्यूडी तक दिया गया, चार बार भुगतान हुआ है उसपे, और शिवनाथ सिंह के घर से ओम प्रकाश और फिर जाकर के उधर मुंकेर के घर से ओम सुधीर सिंह के, ये दोनों बाप बेटे हैं, एक ही रोड का काम दो नाम से है, और काम ही नहीं हुआ। आप देखे हैं कुआं के पास ऐसे निकले, वो जीरो बंधा दिखाए हुए हैं, वो जेबीसी खुदे रही सरकारी के उठवा से ग्राम सभा के आधार से नहीं बना, उस पे निकल गया पैसा। घोटाला हुआ था आपके गांव में, अब क्या जांच टीम हुई अभी तक, क्या जांच हुई? ये घोटाला जो हुआ था कि इसमें एक ही सड़क पर कई बार काम करवाया, काम एक बार हुआ, पैसा कई बार निकाला गया खंड खंड करके थोड़ा थोड़ा करके, कैसे घोटाला हुआ है? आप हमको उन सड़कों का नाम बताइए जिस सड़क पे दो बार पेमेंट हुआ और कब कब हुआ। जैसे गेट तो नहीं पता है लेकिन ये जैसे मान लीजिए है प्राथमिक विद्यालय से प्रधानमंत्री सड़क से प्राथमिक विद्यालय के शौचालय तक जिस पर दो बार भुगतान हुआ है, और ये उसमें जबकि प्रांगण ये प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ये इंटरलॉकिंग काम पूरा हो चुका है, और वहां से प्रधानमंत्री सड़क से और यहां तक क्या नाम है पंचायत समुदाय शौचालय तक निकाला गया है प्राथमिक शौचालय। इस पूरे मामले पर जब हमने प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। क्या सच्चाई है? पंचायत भवन हुआ एकदम शून्य निराधार है, जो शिकायतकर्ता है उनके द्वारा हमारे प्रति कोई बात नहीं बोला गया है। हमारे यहाँ राम बहादुर सिंह जी जो हैं वो मुझसे इससे पूर्व इनके लड़के द्वारा पैसे का डिमांड किया गया था, वो पैसा हमने इनको नहीं दिया, उसी के सापेक्ष ही हमारा सब कुछ करवा रहे हैं, जो कि एकदम गलत। कोई जांच टीम भी आई? जांच टीम तीन बार हमारा हुआ है जिला स्तरीय जांच, जिसमें हमको तीनों जांच में क्लीन चिट मिला हुआ है। अच्छा जी, जो सड़क बताई जा रही कि एक बार पहले से बना था, दो बार तीन बार पेमेंट हुआ है, नहीं ये गलत। बहरहाल गाँव के बंटी बबली के काले कारनामों की शिकायत गाँव के एक जागरूक नागरिक ने की तो जिले के विकास वाले बड़े अफसर अपनी खुमारी से जगे और आनन फानन में टीम बनाकर फैसला ऑन द स्पॉट की भूमिका में आ गए। अफसर गए, जांच हुई, अब देखना यह है कि कार्यवाही क्या होती है। माया के महेंद्र के घोटाले पर जब हमने सीडीओ राजेश प्रजापति जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम बनाकर स्पॉट पर भेज दी गई थी, सड़क व पंचायत भवन आदि की जांच हो चुकी है, जांच में दोषी पाए जाने पर व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। एक ही सड़क पे कई बार भुगतान हुआ है और पंचायत भवन में ऐसे कई मामले हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार किया है प्रधान के, सर क्या कार्रवाई आपके पास? इसमें जिम्मेदारों और संबंधित एक्शन को लगाया गया जांच के लिए, और जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उस निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और डिक्टोरी बनेगी तो गर्मी चलाई जाएगी। सर पंचायत भवन में भी भ्रष्टाचार किया गया है, काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, आप पूरे की जांच करा लेंगे, जो भी हमारे वहाँ पर सरकारी विभाग की योजनाएं चल रही है तो उसमें कहीं भी इस तरह का प्रकरण आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट खबर यूपी लाइव।